नमस्कार ओडिया विद्यालय आपनको स्वागत। भारत में वर्तमान 2000 टंका बैन हो जाए इन द सेंस आउ किसी दिन पर एक्चुअली 2000 टंका आउ चलिबो नाही। तो सबुठ बड़ कथा वर्तमान ये उठू कि 500 टंका जो अच्छी मे बी ए जिनस 500 टंका भी चली न पारे बोली विभिन्न प्रकार संस्था वर्तमान आकलन करुछन। तेणु कथा उठू बहुत लोकों मनरे वर्तमान ये कन्फ्यूजन अच्छी कि एक्चुअली केते बेले कौ टंका आसुची कौ टंका बैन होउची तो या उपरे एक्चुअली किछ बुझी होउनी। तो ये टॉपिक माध्यम रे आमे विभिन्न प्रकार कथा बुझापे चेष्टा करिबा कि एक्चुअली आमे कहि परिबा कि केमिति भाव रे वर्तमान जो 2000 टंका को आपण बैंक रे डिपॉजिट करिकि नुवा टंका नै परिबे प्लस कोन पई एक्चुअली 2000 टंका बैन होची से कथा बुझापे चेष्टा करिबा प्लस 2016 रे आमे कहि परिबा जो बैन हिथिला 1500 टंका भारत सरकार जो विभिन्न प्रकार कारण देथिला से कारण आज पर्यंत एक्चुअली लोकों पाखे पहुँच पारिची कि। सेकेंड कथा हूँ तो ये जो 2000 टंका वर्तमान बैन कराऊँ एटा इकोनोमी बैन कराऊँ या फिर आम कहीपर कौन प्रकार पॉलिटिकल मोटिवेटेड बंद कराऊँ। लास्ट कथा हूँ कि 500 टंका एक्चुअली आम जो बैन हबार देखा कि फ्यूचर में बहुत जल्दी कि देखें बुझापी वीडियो माध्यम से चेष्टा कर। ओके कथा उठू आपड़ वर्तमान केमी भाव में ये जो 500 2000 टंका को आपड़ बैंक डिपोजिट करेंगे। देखो जदि 2016 500,000 जो बैन होता सेत एक्चुअली सिचुएसन अलग था बहुत कम समय पर लोक मान दि जाइए डिपोजिट करने जदि आम बर्तमान 2023 कथा कहुची एवं जो दिहुच 2000 टंका को आपड़ डिपोजिट करें बैंक में ये लगभग आपको 4-5 मास पाखापाखि मिल जाऊँगी इन द सेन्स मे 23 पाखु आपन को मिल सेप्टेम्बर 30 तारीख पर्यंत तेणु गोटे लंबा व्यवधान मिल जाऊँ। तेणु ये आपको एत भिड़े लाइन लगे कौन से आवश्यकता ना बहुत दिन पर्यंत समय अच्छी सेत दिन पर्यंत आपखे जदि भी 2000 टंका अच्छी तालोले से कमर लगे। सेकेंड कथा जो इम्पोर्टाट कथ हूँ आपत गोटे थरकर 20,000 टंका पर्यंत बैंक डिपोजिट करके अलग डिनोमिनेशन इन द सेन्स जहाँ भी अच्छी आम 1000 टंका होगा आम 500 टंका होगा प्लस आपंकर 100 टंका होगा 200 टंका होगा ये सब नोट आप बैंक रू आपरेंगे तापाई आधार कार्ड बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अच्छी से जिनस देवाक पड़ो। तेणु आप रस करवा बैंक सामने आवश्यकता नहीं बहुत समय अनुसार आपड़ नहीं पारे। कथा उठू ये सब हबार कारण कौन जो 2000 टंका बैन हो कि पूर्व 500,000 बैन होता ये हबार कारण कौन बहुत कथा ये जिनस कहुच कि एक्चुअली करप्शन या मध्यम विभिन्न प्रकार कमी पार। सेकेंड कथा कहुच जो ब्लाक मनी समस्त पाखे अच्छी विभिन्न लोकों पाखे अच्छी तो से ब्लाक मनी भी कौटी ना कौटी कमी पार। लास्ट कथ जो कहुच टेरर फाइनेंस कथा कहा जो यही टंका नहीं कि विभिन्न प्रकार सन्त्रासवादी संस्था से माने विभिन्न प्रकार काम करूँ पाखे पैसा कमीज से जिनस करें। देखते जदि रियालीटे कथा तो करप्शन कौटी ना कौटी जो 2016 डिमोनिटाइजेशन हो जाता कि 500,000 टंका बैन कराइला तार रेजल्ट आज पर्यटन लोकों पाखे पहुँची पारे इन द सेन्स आरबीआई को जो पचराला कि भाई साहब एक्चुअली जो 500,000 टंका बैन होगा तो यापर आपणकर कौन मतामत रही सिंपल कथा कही एटा वर्तमान आम कहीपर शॉर्ट टर्म चैलेंजेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन द सेंस जो एटीएम आगे लोक लाइन देखते कि विभिन्न प्रकार वृद्धा से मैंने मरी जाइंट लाइन दे कि विभिन्न अलग अलग कथा अच्छी एमएसएमई सेक्टर होगा अलग छोट सेक्टर होगा एम विभिन्न प्रकार इकोनोमिकली क्राश हो जाए तो ये सब कथा आम बुझीचु बट लॉन्ग टर्म रे कौटी ना कौटी बेनिफिट दबो को बेनिफिट दबो ना डिमोनिटाइजेशन है कौन बेनिफिट दबो ना जो ब्लाक मनी अच्छी कि टेरर फाइनान्स हो करप्शन हो जिनस कम बट अपोजिशन जहाँ कहुची तो से सब जिन आज पर्यटन कौन से ही ना परवर्त समय हम कि ना जाना ना क्या नेक्स्ट कथा कहटा जो हूँ इकोनोमी फायदापी हो फिर सरकार जो निज निज भितर लड़े हो देखो जदि देशर इकोनोमी कथा कहब अफकोर्स ब्लाक मनी किसी रही आरबीआई होगा अलग संस्था होगा मनी लॉन्ड्रिंग कथा कहुच कि ईडी कहुच इनकम टैक्स कहुच एम पाखे टाटे टाटे हिसाब रोचे तेणु केत मनी सर्कुलेसन पूरा हिंदुस्तान में रोचे से जिनसान पाखे रोचे गरीब लोक हाथ में मिडिल क्लास लोकों हाथ में केत टा रोचे प्लस पॉलिटिशियन मान हाथ में केत पैसा रोचे से कथा भी कौटी ना कौटी हिसाब रखी किए भारत सरकार। तेणु भारत सरकार ये जिनस आकलन करुच्चे जदि आम 2000 टंका को डिमोनिटाइजेशन करदे कौटी ना कौटी आम हाथ में कि सरकार हाथ में करप्शन पैसा कि ब्लाक मनी पैसा गुड़ाए जमाट हो पक्ष देखा गोटे प्रकार पॉलिटिकल मोटिवेशन इन द सेन्स कर्नाटक वर्तमान कांग्रेस जीति जाइए 2024 जनरल इलेक्शन हे तो पूर्व कहुच कौन 500 टंका भी बैन करदे पारती कारण 2000 टंका जमी बैन कराला तो 500 टंका बैन करदे पारती। देखो कथ उठू
500 ଟଙ୍କା ଏଜେ ନର୍ମାଲ ହିସାବରେ ଆର୍ ବି ଆଇ ବି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି, ଯେବେଠୁ 500 ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ନୂଆ 500 ଟଙ୍କା 2000 ଆମେ କହିପାରିବା 16 ପାଖରୁ, ତ 500 ଟଙ୍କାକୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ଏଟିଏମ୍ରେ ରିଜର୍ଭ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁଛି। 2000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା 2017-18 ପରଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଆର୍ ବି ଆଇ ଛାପିବା, ଆଉ ଛାପୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଲରେଡ଼ି କମିଯାଇଛି। ଯାହା କିଛି ଅଛି ସର୍କୁଲେସନ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ, ତେଣୁ 500 ଟଙ୍କା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସରକାର କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ବାକି ଯାହା ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ନାହିଁ କି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ପାନିକ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। 500 ଟଙ୍କା ଯଦି କ୍ୟାସ୍ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେତେ ହର୍ବରେ ହେବାର, ତେଣୁ 2000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଛି ଇଏ ବି ସମୟ ଅଛି, ତ 20-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ୟା ଫିର୍ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଫକୋର୍ସ ମୁହିଁ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଇଏ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।